चाय का इतिहास। चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि 4700 साल पहले चीन के एक राजा शैन नंग के सामने रखे गर्म पानी के प्याले में चाय की कुछ सूखी पत्तियां आकर गिरी, जिससे पानी में रंग आ गया। जब राजा ने उसको जरा सा पिया तो उन्हें स्वाद बहुत पसंद आया और तभी से चाय का सफर शुरू होता है। पहले की कुछ सदियों तक चाय का उपयोग एक दवाई के रूप में ही होता रहा था। इसे रोज पीने की परंपरा खासकर भारत में पिछली सदी से शुरू हुई थी। भारत में चाय की खेती की शुरुआत 1835 में हुई थी। दरअसल 1835 में कुछ ब्रिटिश यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया था, जिसे स्थानीय कबायली लोग एक पे बनाकर पीते थे। इसके बाद अंग्रेज सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में चाय की परंपरा शुरू करने और उसका उत्पादन करने की संभावना तलाश करना था। तब जाकर भारत में 1835 में चाय के पहले बाग लगाए गए। एक अनुमान के अनुसार चाय की 1500 से ज्यादा किस्में हैं। भले ही संसार में चाय की 1500 से ज्यादा किस्में हैं, पर इनमें से मुख्य किस्में हैं काली, हरी, सफेद और पीली। काली चाय कुल चाय के उपयोग का 75% होती है। भारत लंबे समय तक चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा, परंतु पिछले कुछ सालों से चीन इसे पछाड़कर आगे निकल गया है। भारत में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से आसाम और दार्जिलिंग में होता है। चाय आसाम का राजकीय पेय भी है। 1610 ईस्वी में डच व्यापारी चाय को चीन से यूरोप ले गए और तभी से धीरे धीरे चाय पूरी दुनिया का पसंदीदा पेय बन गया। पानी के बाद चाय ऐसा पेय पदार्थ है जो सबसे ज्यादा पिया जाता है। यदि चाय की पत्तियों को अच्छी तरह से पानी में भिगो के उसकी गंध स्मेल को घर में फैलाया जाए तो यह प्राकृतिक ऑल आउट का काम करती है, मतलब कि मच्छर दूर रहते हैं। अफगानिस्तान और ईरान का राष्ट्रीय पेय नेशनल ड्रिंक चाय है। इंग्लैंड के लोग रोजाना 16 करोड़ चाय के कप पीते हैं। इस तरह से एक साल में इंग्लैंड के लोग 60 अरब चाय के कप पी जाते हैं। पूरी दुनिया में सालाना 30 लाख टन चाय का उत्पादन होता है, मतलब कि 3 बिलियन 3 अरब किलोग्राम।